नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। आशा करते हैं कि आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं JNU नॉन टीचिंग पोस्ट एंसर की के रिगार्डिंग। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। JNU नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप लोग के उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि JNU नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्जाम 26 और 27 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया था। और दोस्तों, एग्ज़ाम कंप्लीट हुए 10 से 11 दिन के आसपास में हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी नहीं किया गया है। कि वैसे तो NTA का पिछला रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में 8 से 10 दिनों के अंदर में आंसर की अवेलेबल करा देते हैं, पर दोस्तों इसका ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, कुछ सोचों से पता चला है कि अभी एक दो दिन और डिले हो सकता है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी किया गया था। कॉल में क्या जवाब दिया गया आप लोग को इस वीडियो में आगे सुनाने वाले हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। सर, JNU नॉन टीचिंग का आया था, उसका सर आंसर की कब आएगा? सर, अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो प्लीज वेट कीजिएगा। जैसे भी पॉसिबल होता है आपको जल्दी इसकी डिलीवर आएगा। सर, कोई अनुमान है 27? हमारी वेबसाइट पर जैसे ही पॉसिबल होता है हमारी वेबसाइट पर हाईलाइट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सर, इस वीक में आने की संभावना है, कुछ अनुमान बता सकते हैं? सर, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो प्लीज वेट कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिए होंगे और वहां से साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोग वेबसाइट पर विजिट करते रहें और वहीं आप लोग को सूचना प्रदान किया जाएगा। यहां पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, यहां पे अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो दोस्तों यहां पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, एडमिट कार्ड फॉर JNU रिक्वायरमेंट। दोस्तों, यहां पे आंसर की का अभी भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ सोर्सों से पता किए हैं कि इसका आंसर की में डिले क्यों हो रहा है। दोस्तों, मेन कारण है इसमें वेरियस पोस्ट थे और लगभग 35 से 40 प्रकार के यहाँ पे पोस्ट थे और सबके अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट किए गए थे, जिसके कारण उसके आंसर की तैयार करने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और दोस्तों, फाइनली वेरीफाई हो रहा है कि हाँ, किस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, उनका वेरीफिकेशन चल रहा है और फाइनल आंसर की आप लोगों को इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये आप 100% कन्फर्म रहें कि अगले वीक आप लोग को वेट नहीं करना है, इसी वीक में आप लोग को आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप आगे अपडेट पाना चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।